दोस्तों पिछले दिनों शाहरुख खान अपने बेटे को मिलने जेल गए थे आर्यन को मिलने के लिए। अब शाहरुख खान आ रहे हैं जेल के अंदर, एक अजीब सा उत्साह, सब कैदी खुश, जितने वो दूसरी बैरक में बंद थे सब एक्साइटेड एकदम। अब शाहरुख खान जैसे ही अंदर आए कुछ कैदी शाहरुख के स्टाइल में बोल रहे हैं, अब शाहरुख इरिटेट हो रहे हैं, कुछ कैदी अरे शाहरुख खान को देख लिया वो भी जिंदा। शाहरुख वहां से निकले, दूसरा कैदी अरे अरे साला DDLJ का डायलॉग हो जाए, हाथ में हथकड़ी है, बेड़ी पड़ी हुई है, अरे चक देगा हो जाए। तभी एक खतरनाक कैदी था, वो अपने बैरिक से बोला, अंडा सेल से बोला, कभी खुशी कभी गम का डायलॉग ले लो भाई। हेलो हेलो खान साहब, हेलो, अरे कभी खुशी कभी गम का डायलॉग ले लो भाई। मैंने पहला मर्डर किया था तभी देखा था, पुलिस से भाग रहा था, पुलिस से बचने के लिए थिएटर के अंदर घुस गया था, उधर लगी थी कभी खुशी कभी गम। हो जावे हेलो, हो जावे। शाहरुख खान टेंशन में, शाहरुख ने पुलिस वालों से कहा, अरे क्या है, मैं इतना दुखी हूं, अपने बच्चे के लिए आया हूं और इनको डायलॉग की सूझ रही है। फिर पीछे से कोई बोला, अरे भाई साहब देवदास का डायलॉग सुना दो, देवदास का, हेलो देवदास का सुना दो, अच्छा उसका सुना दो, छोटी छोटी जेलों में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। अरे भैया हेलो, हेलो भैया, अरे डॉन का सुना दो, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही वाला हो, सुना दो। हाँ जब हमने पहले हाफ मर्डर किया था तब देखा था, वाला सुना दो। फिर पीछे भाई साहब उसका मोहब्बतें का ले लो यार, मोहब्बतें का आइलैंड वाला ले लो यार, मोहब्बतें, कुछ आर्यन से कह रहे हैं, और तेरा बाप है यार डायलॉग सुना दे। हेलो ए लंडे आर्यन, बाप से कह दे यार सुना दे, दिल तो पागल है, सुना दे, दिल तो पागल है मैं हूं ना। तभी वो खतरनाक बोला कैदी, ए शाहरुख को डिस्टर्ब मत कर, समझा, नहीं तो मैं इधर ही हथियार मंगा के एक एक को धो डालेगा, समझा। हा ए शाहरुख, चेन्नई एक्सप्रेस का ले ले, चेन्नई एक्सप्रेस का सुना दे, सुना। शाहरुख टेंशन टेंशन में पहुंचे। एक कैदी अच्छा था, एक कैदी अच्छा था, बोला शाहरुख साहब मैं तो ऐसे ही रेप में फंसा हुआ हूँ, गलत फंसा हूँ, मैंने रेप किया नहीं लेकिन फंसा हुआ हूँ। नहीं नहीं आपके बेटे का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, जी 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 पूरा डायलॉग, हाँ सब डायलॉग भी सुना रहा है, वो कच्चे पक्के सुना रहा है, कच्चे पक्के। हाँ नहीं, जिस दिन से आपने 4,500 रुपये भेजे हैं सारे कैदी खुश हैं, क्योंकि इन कैदियों ने छीन लिए उससे 4,000 रुपये, सब आपस में बांट लिए, 500 रुपये में चल लिया तुम्हारा लड़का। पीछे से कोई आया, भाई साहब आपके बच्चे के साथ बहुत ही गलत हो रही है, अब 500 रुपये में दिन निकाल रही है, बिस्किट पानी में डूब डूब के खा रही है, हाँ जेल का खाना हम लोगों को दे रही है, हैं यही चल रहा है भाई साहब। आपके बच्चे को भाई साहब वो बैठ के लेटरिन नहीं कर पाता है, देसी देसी वाले में बैठ ही नहीं पाता भाई साहब, आपके यहाँ क्या था वही अंग्रेजी है वो, हाँ कुर्सी वाली मांग रहा है लेटरिन, हाँ कह रहे। तो मैंने भाई साहब क्या किया, टेबल को काट के उसको दे दिया। हाँ मैं वो आपके बच्चे का ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि आपकी बड़ी फिल्में देखी मैंने, झूठ नहीं बोल लिया, बड़ी फिल्में देखी हैं, आप भी मेरा ख्याल रखना, जब मैं छूटूंगा मन्नत आऊंगा, कोई नौकरी वोकरी दिलवा देना, आपकी तो कंपनी है भाई साहब। हैं सब लोग ये कहते हैं कि ड्रग्स बुरी चीज है, ये गांजा वांजा अफीम कोकीन और ये क्या खींचना माल जान ले लेता है, नस्लें खराब होती हैं, खुद की तो नस्ल बिगड़ती है, आने वाली नस्लें भी बर्बाद होती हैं। ये एक एग्जाम्पल है, फरदीन खान, फिरोज खान के लड़के इसी में बर्बाद हुए, संजय दत्त, अरमान कोहली अभी बंदर है, रिया चक्रवर्ती, पता नहीं कितने लोग, क्या मिलता है यार ऐसा फालतू नशा करने का, अपने आप को मारो, है कोई तरीका है। एक शराबी है, दारू पीता है, जब भी आए
पुलिस खींच के लाती है उसको, पकड़ के सड़क पे बदतमीजी कर रहा है, धांधल कर रहा है, शराबी को पकड़ लेती है, कोर्ट में लाए। जज साहब बोले वेरी गुड, हाँ यार शराब वराब पीना वहां तो ठीक है। जज साहब बोले मैं खुद पीता हूँ यार, दारू पीने से क्या होता है, सरकार को टैक्स भी मिलता है, सरकार के खजाने में पैसा जाता है, ये चरस गांजा इससे सरकार को भी कुछ नहीं मिलता, तो वहां शरीर का नाश हो रहा वो अलग। तो जज भी थोड़ा, अब जो पुलिस वाला शराबी को पकड़ के लाता है वो भी रास्ते में कहता, अरे वाओ, अरे दारू तो मैं भी पीता हूं, तू कैसे पकड़ा गया। वकील भी कहता हम भी पीते हैं, तू कैसे पकड़ा गया। जज भी ज्यादा शराबी को वो सजा नहीं देता है, ऑर्डर ऑर्डर करके थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया, फाइन मारा, भेज दिया। एक शराबी रोज आता था, अक्सर पकड़ा गया सड़क पे दारू पी के लफड़ा कर रहा है, धांधल कर रहा है, पुलिस लेके कोर्ट में आया। तो एक कभी 2000 फाइन, कभी 3000 फाइन, कभी 5000 फाइन। एक दिन वो भड़क के बोला जज साहब, हेलो, अरे जज साहब, अरे अरे मेरे को डिस्काउंट दो ना, अरे मेरे को डिस्काउंट दो ना, मैं तो तुम्हारा रोज का ग्राहक हूं। तो दारू पीने वाले ठीक है, वो भी गलत चीज है, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा तो आता है। अब शक्ति कपूर जैसे लोग हैं, दारू पिया, खूब पिया, उसके बाद अपने ही स्टाफ को, ड्राइवर को, नौकर को थप्पड़ दे दिया, धो दिया, मार दिया, सुबह उठे सबको लाइन से खड़ा किया, सबको 500-500 रुपए दे दिए, वो भी भूल गए, ये भी भूल गए, खुद ही कह रहा और बापो शाम को फिर आ जाना थप्पड़ खाने के लिए। मैं तो भाई साहब समीर वानखेड़े से कहूंगा कि सबको पकड़ो तो बराबर से पकड़ो, जैसे अभी सही कर रहे हो। अब ये आर्यन खान फंसे तो अनन्या पांडे भी फंस रही, खान भी आ गए, पांडे भी आ गए, मैं तो लोग शोर नहीं बचाएंगे, मजहब का गेम नहीं हो पाएगा, जरा इसको ध्यान रखो समीर।